हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई जस्ट होप दैट यू गाइस आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। कैसन हो बच्चा पार्टी? आप लोग कैसे हो बच्चा पार्टी? जल्दी से मुझे यहां पर चैट बॉक्स में बता दीजिए। ऑडियो चेक, वीडियो चेक जरूर देना। एंड गाइस, आई होप दैट आप लोगों ने कल का सेशन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कल का सेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया होगा। एंड गाइस, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज हम लोग हमारी पढ़ाई शुरू कर देंगे और हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं आज। स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसी होती है स्ट्रैटेजी, क्या होता है मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। गाइस एकदम मज्जा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सितिजा तापड़िया, दीपक माहेश्वरी, प्रगन अग्रवाल, दीक्षा लोकेश, रिपर्णा, सिवी ठाकुर, एंड देन वी हैव पल्लवी सिंह, श्रीपर्णा, सयांश घोष, नीरज वच्छानी, देन वी हैव ओवर हियर मनीष भरद्वाज, हर्षवर्धन, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। मुझे बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं हमारे पुराने स्टूडेंट्स के। That is really, really, really amazing, guys. बहुत मजा आने वाला है, दिल थाम के बैठना एंड फटाफट से आपके सारे के सारे दोस्तों को बुला लेना यहाँ पर बच्चा पार्टी और कह देना कि अकी भैया इज बैक अगेन, अकी भैया आ चुके हैं लाइव, जल्दी से बता दो। तब तक के लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ बेटा। स्ट्रैटेजी के बारे में तो हम लोग पढ़ना शुरू ही करने वाले हैं, लेकिन एक ही मिनट के अंदर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। गाइज, इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन द अर्न अकेडमी, आप लोग यहाँ पर अर्न अकेडमी के वेबसाइट पर जा सकते हो। आप लोग यहां पर आपका गोल सिलेक्ट कर सकते हो और जैसे ही आप लोग गोल सिलेक्ट करते हो, सीए यहां पर सीए इंटरमीडिएट पे आप लोग कर सकते हो क्लिक। एंड लेट मी टेल यू, यहां पर प्राइस ड्रॉप हुआ है एंड 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जब आप लोग करोगे क्लिक तो आप लोग को दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक होगा प्लस, दूसरा होगा आइकॉनिक प्लस। में बेटा आप लोग यहां पर देख सकते हो ये DAGA10, इस कोड को आप जब लगाओगे, ठीक है, DAGA10 इस कोड को आप लोग जब भी लगाओगे तो आप लोगों को मिलेगा यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ये देखना, यहां पर 10% ऑफ ऑन द 6 months एंड अबव प्लान फॉर द लिमिटेड पीरियड। कब तक है मुझे भी नहीं पता है, लिमिटेड पीरियड के लिए है। यहां पर प्राइजेस रिड्यूस होके आ चुके हैं गाइस, यू कैन जस्ट गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन आउट देयर। यहां पर आइकॉनिक के भी प्राइसिंग डिटेल्स यहां पर दिए गए हैं, 24 months, 12 months and 6 months. You can check it out over here. Light is just for test series purpose. यहाँ पर आप लोग बेटा lectures देख सकते हो plus and iconic में. You can select the subscription of your choice. 18 months is a very ideal. I would say that 20,000 rupees है यहाँ पर, 20,048, ठीक है। 24 months का subscription is costing you 21,870. DAGA10 इस code को भूलिएगा मत. Whenever you apply this code, you will get maximum possible discount, ठीक है? Yes. तो चलिए शुरू करें। एवरीवन, आर यू रेडी? मेक सम नॉइज इन द चैट बॉक्स फटाफट से बचा पार्टी। आई वांट टू सी द नॉइज इन द चैट बॉक्स सेशन और तभी मैं शुरू करूंगा, अदरवाइज मैं तब शुरू नहीं करूंगा। अटेंडेंस लगा दो, 50 कर दो यहां पर फटाफट से, लाइक को 50 कर दो, फिर मैं शुरू करूंगा। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से जल्दी से, आई वांट टू सी दिस, ठीक है सर? मुझे भी इंट्रोड्यूस कर दो सर। फाउंडेशन से आपका स्टूडेंट हर्ष सहा। हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा, डोंट वरी बेटा, तुमको भी यहाँ पर चाहिए, इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, ठीक है? और किस किस को इंट्रोड्यूस होना है जल्दी से बता दीजिए, ठीक है सर? ये यहाँ पर 50 लाइक हो चुके हैं, अमेजिंग 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 गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। और आज हम लोग करेंगे शुरुआत बहुत ही अमेजिंग 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 चैप्टर के साथ और अमेजिंग टॉपिक के साथ। आप लोगों ने मेरे दिल की बात सुन ली बेटा, डोंट वरी एट ऑल, मैं भी आप लोगों को ऐसा तोड़ पड़ा होगा, ऐसा खतरनाक पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों को लगेगा क्या क्या सब्जेक्ट, क्या है ये, कितना आसान, इतना आसान कोई सब्जेक्ट होता भी है क्या, ठीक है? यस, तो बच्चा पार्टी आप लोगों के सामने पहला सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, मेरा आप लोगों से सवाल है। आप लोग यहां पर देख सकते हो एक लेखक है हमारे हेनरी जी, हेनरी जी ने कुछ कहा है स्ट्रैटेजी के बारे में। हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे हेनरी जी क्या कहना चाहते हैं। देखना यहां पर, हमारे हेनरी जी कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के कारण स्ट्रैटेजी नहीं हो रही है, इट इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्लानिंग। आप लोग कह रहे हो कि स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग, नो, बट
द अपोजिट ऑफ इट, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। आप लोगों को अगर एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लाना है तो एक किसी इकोनॉमिस्ट का नाम आप लोगों ने याद रख लेना चाहिए। वो हमारे बड़े लोग कहकर गए थे, ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी बात को सामने वाले के सामने प्रूव करना है तो तुम लोगों ने वही सेंटेंस या फिर ऐसा कोई डायलॉग मार दो जो हमारे बहुत महान व्यक्ति कुछ कहकर गए थे। अगर मैं कुछ डायलॉग बोलता हूं और मैं कहता हूं कि ये डायलॉग एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, तो उस डायलॉग में दम होता है और उस डायलॉग को लोग अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं। हमारे ICAI को भी अगर तुम लोगों ने पेपर में ऐसा कुछ लिख दिया, वो लोग क्या समझेंगे? आखिर दुनिया पूरा की पूरा इंडिया यहां पर पेपर में स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ ना कुछ लिखकर आएगा, लेकिन तुम्हारा पेपर अलग क्यों होगा? क्योंकि तुमने यहां पर हेनरी जी का नाम लिखा है। और तुमने अगर किसी का नाम लिखा होगा तो तुम्हारा पेपर सेपरेटली हाईलाइट होकर आएगा। उसको लगेगा अरे इसको तो इकोनॉमिक्स का ये जो है मैनेजमेंट वाले लोग, इसका भी नाम याद है, सो डेफिनेटली ये बंदा कुछ अलग है, ये लड़का कुछ अलग है। ठीक है, समझ में आया क्या? आगे अपने को बात तो वही रखनी है, आगे हमें स्ट्रैटेजी के बारे में वही बोलना है, लेकिन तुम्हारे आंसर में तड़का होना चाहिए बेटा। तड़का, मसाला तो सब लोग यहां पर डालने वाले हैं, लेकिन तड़का होगा ना तो मजा आएगा। ठीक है, सो यहां पर बेटा हेनरी जी क्या कह रहे हैं देखना, एकदम अच्छे से देखना बेटा। हम लोग अभी थोड़े से स्मार्ट बन रहे हैं, लिखना है पेपर में, अभी MCQ सिर्फ और सिर्फ MCQ नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ MCQ नहीं है, हम लोग को पेपर लिखना है। और मैं रोज आप लोग को कंसेप्चुअली भी सिखाने वाला हूं, एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी बताने वाला हूं, पेपर कैसे लिखना है वो भी मैं साथ साथ में ही बताने वाला हूं। आज मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किया है RTP का, ठीक है, वो आने वाला है, लास्ट में आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, RTP का भी क्वेश्चन एक ऑलरेडी इन्वॉल्व है यहां पर, देखना। तो हेनरी जी ने क्या कहा कि स्ट्रैटेजी जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। चलो ठीक है, हेनरी जी ने क्या कहा हम लोगों ने सुन लिया, अभी देखते हैं ग्लूक जी ने क्या बोला। ग्लूक ने क्या कहा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, अभी नोट्स बनाने हैं हमें आपके साथ, बिल्कुल बेटा अगर बनाओगे तो बहुत ही सही रहेगा, डेफिनेटली यू कैन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्लूक स्ट्रैटेजी इज यूनिफाइड comprehensive and integrated plan that relates the strategic advantages of the firm to the challenges of the environment and is designed to ensure that the basic objective of the enterprise are achieved through the proper implementation of process. Sir, सच्ची बताओ तो कुछ भी समझ में नहीं आया, सच्ची बताओ तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हम कहना चाहते बेटा, ग्लूक जी ने यह बोला है कि स्ट्रैटेजी जो है ये एक इंटीग्रेटेड प्लान होता है मेनी ऑफ द प्रोसेसेस के साथ, और ये जो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं। तो स्ट्रैटेजी एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड वाला प्लान होने वाला है, देखना। यहां पर मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा, यहां पर अच्छे से समझने की कोशिश करना। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही डिटेल्ड, इट इज अ इंटीग्रेटेड मतलब ये आइसोलेशन में कुछ प्लान हमें नहीं करना है। देर आर गोइंग टू बी मेनी फंक्शंस, देर आर गोइंग टू बी मेनी एक्टिविटीज जो हम लोग को कंबाइन कर शायद इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती है। दैट रिलेट्स द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मतलब अगर तुमने इसको फॉलो किया तो तुम्हें क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं टू द फर्म, एंड इट इज डिजाइन इन सच अ वे, it is designed to ensure that the basic objective of the enterprise is achieved. मतलब हमारे enterprise का goal जो हमारा है वो achieve होना चाहिए through the process of implementation process. Now what you understood? कि हम लोगों ने जब भी strategy बनानी है तो एक comprehensive strategy बनानी है, एक unified plan होने वाला है which is going to help me to achieve my goals and the objectives of the organization. It is designed to ensure that the basic objectives of the enterprise are achieved
लेकिन कब अचीव हो गया? कब अचीव हो गया बच्चा पार्टी? मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी बना दिया तो अचीव हो जाएंगे? मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये 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 चीज पढ़नी है तो अचीव हो जाएगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल पढ़ना है, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को आरटीपी पढ़ना है, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को यहां पर एमटीपी पढ़ना है। स्ट्रेटेजी बता दी यार, अचीव हो जाएगा, फोड़ देंगे हम लोग एग्जामिनेशन एग्जाम में। द आंसर इज नो। वी हैव टू इंप्लीमेंट द थिंग्स जो यहां पर स्ट्रेटेजी में बताई गई होगी, मुझे उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको इंप्लीमेंट किया, तो ही मेरी स्ट्रेटेजी फायदेमंद साबित हो सकती है, अदरवाइज मेरी स्ट्रेटेजी वेस्ट हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजी बनाया तो सब कुछ खत्म नहीं, स्ट्रेटेजी बनाया तो सब कुछ खत्म नहीं होता है। लेकिन स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है? कॉम्प्रिहेंसिव बनानी है। कैसे बनानी है? कॉम्प्रिहेंसिव बनानी है, इंटीग्रेटेड बनानी है, इंटीग्रेटेड। यहां पर जो मैं तुमको नोट्स देने वाला हूं वो कैसे नोट्स होने वाले हैं? शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। और लेकिन इंटीग्रेट किए जाएंगे अलग अलग जगह से। जब मैं यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आगे, वहीं पर मैं आप लोगों को लिखकर दे दूंगा कि ये आरटीपी का क्वेश्चन है कि एमटीपी का क्वेश्चन है। मैंने इंटीग्रेट कर दिया है आरटीपी को, एमटीपी को, आईसीएआई की स्टडी मटेरियल को, और मैंने यहां पर चीजों को मिक्स कर दिया है, इंटीग्रेटेड चीज। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है एवरीवन? Are you getting it? So integrated approach is really very very important. तो चलिए बेटा स्ट्रैटेजी को सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, फिर से आएंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, आगे बढ़ते हैं, देखना फिर से आएंगे। तो बहुत कुछ कहना है मुझे, ठीक है, बहुत कुछ कहना है मुझे, ठीक है। अब देखना यहां पर इन्होंने एक और चीज बोली है। क्या बोली है? स्ट्रैटेजी क्या है? ये कह रहा है स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिजायर्ड इमेज, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है। डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, व्हाट इट वांट्स टू बी and what to do and where it wants to go. तो मुझे यहां पर देखना है हमें क्या बनना है, what it wants to be, what to do and where it wants to go. यहां पर हमारे धीरू भाई अंबानी ने एक सपना देखा था, कि हम बनेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट वेयर इट वांट्स टू गो, व्हाट इट वांट्स टू बी एंड व्हाट टू डू एंड वेयर इट वांट्स टू गो। तो यहां पर बेटा हम लोगों को यहां पर एक डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे वहां पर पहुंचना है, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए मुझे क्या 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 करना पड़ेगा, क्या 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 चीजें मुझे चाहिए रहेगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा, ओवर द इयर्स का मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। और जब मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज होगी और जब मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं वहां पर पहुंच सकता। समझ में आ रहा है एवरीवन ओवर हियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या बोलना चाहता हूं यहां पर, देखो यहां पर बेटा बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, एग्जांपल्स बहुत ही खतरनाक आने वाले, देखना यहां पर। यस बच्चा पार्टी, आई होप दैट आपको, आप यहां पर कुछ लिख रहे हो, आप लोग कुछ समझ में आ रहा है, कुछ यहां पर कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, ठीक है। बुक में लिख रहे हो, बुक में अंडरलाइन कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज द लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट। सर ये आपने हाईलाइट क्यों किया है? बेटा ये हाईलाइट करने के पीछे रीजन है, और वो रीजन है कि आपके आंसर्स में ऐसे कुछ वर्ड्स आने चाहिए, और अगर ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपके लैंग्वेज में आ जाते हैं लिखते समय, तो बेटा आप लोगों को एक एज मिलेगा दूसरे बच्चों से ज्यादा।
आप लोगों का पेपर थोड़ा सा और बेहतर बनेगा दूसरे बच्चों से ज्यादा। आप लोग यहां पर डेफिनेटली आपकी खुद की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स हमको यहां पर टेक्निकली यूज करने पड़ेंगे, जो मैं आपको रोजाना डेली बेसिस पर ऐसे कुछ अंडरलाइन कर आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर सर समझ में आ गया, स्ट्रैटेजी जो है वो हमें समझ में आ रही है। ये कीवर्ड्स भी सर हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे, इस कीवर्ड्स को जरूर याद रखेंगे, और डेली जब हम लोग जब कल आएंगे फिर ये रिवाइज करेंगे, फिर और भी याद रहेंगे, परसों आएंगे फिर पूरा की पूरा रिवाइज करेंगे, फिर भी याद रहेंगे, ठीक है। सो देखना है अभी यहां पर मुझे आपसे पूछना है, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन मुझे आप लोग बताना कि क्या ये स्ट्रैटेजी हमेशा 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 परफेक्ट हो सकती है। गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, मुझे यहां पर देखना है, आप लोग मुझे बताइएगा क्या ये स्ट्रैटेजी मेरी हमेशा 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 परफेक्ट हो सकती है। कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स ओवर हियर, प्लीज बताना मुझे यहां पर। नो, मुझे बताना, आप लोगों ने कुछ प्लान किया था, आप लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं पढ़ाई ऐसे ऐसे करने वाला हूं, क्या वो हमेशा 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 फ्लॉलेस थी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, पढ़ाई तो हम करते ही नहीं है, प्लान बहुत बनाते हैं सर, लेकिन सर मैं तो कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो सिर्फ प्लान बनाता हूँ, और मेरी जो स्ट्रैटेजी है सर वो तो कभी भी परफेक्ट नहीं होती है सर, नेवर 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 सर, मेरा स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं होता है सर, नेवर, इट इज नेवर परफेक्ट। फ्लॉलेस होगा तुम्हारा स्ट्रैटेजी? नो, ऐसा है कि उसमें कुछ भी कमी नहीं रहेगी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी, ठीक है। प्रगुन भाई दो मिनट रुक जाना बेटा, एक सेकंड। प्रगुन क्या बोल रहा है? प्रगुन अपने को बोल रहा है कि सर मेरे को ना ये पॉइंट सर बुक में नहीं मिल रहा है। प्रगुन बेटा एक चीज मैं बताता हूं यहां पर, ये जो तुम्हारी बुक है बेटा, इसमें सब कुछ मिलेगा तुम्हें, सब कुछ, ये देख बेटा यहां पर मिलेगा। इट कैन नेवर बी परफेक्ट, इट कैन नेवर बी फ्लॉलेस, इट कैन नेवर बी ऑप्टिमल, लेकिन प्रगुन बुक कब पढ़नी रहती है? जब मैं मेरा पढ़ाकर हो जाएगा, मैं उसका मतलब समझा दूंगा, तब तुझे बुक पढ़ना है, ये तुझे बाद में करना है ना, ऐसे क्या कर रहा है भाई, ये तेरे को बाद में करना है, अभी तेरे को अच्छे से समझना है, रनिंग नोट्स निकालने हैं, इंपॉर्टेंट मैं देने वाला हूं। अगर मुझे पूरा की पूरा बुक से ही पढ़ाना है तो मैं ये क्यों करूंगा, इतनी मेहनत काहे करूंगा मैं, ये तो पूरा वेस्ट है ना फिर। नहीं, मैं बुक ही खोल देता हूँ, ठीक है, मैं बुक खोल देता हूँ, बुक में से ही पढ़ाता हूँ। बेटा क्या कर रहा है तू, तू नया थोड़ी ना है यार, तू नया नहीं है भाई, तू मेरा पुराना स्टूडेंट है और मुझे पूरा गर्व है तुझ पर, तू ऐसी बातें करेगा तो कैसे चलेगा। कमन ध्यान दे बेटा, क्या कर रहा है तू, आजकल स्टॉक मार्केट ज्यादा देख रहा है ये प्रगुन हमारा हर्षद मेहता बनने के चक्कर में यहां पर ये पूरा की पूरा गलत कर बैठेगा। बेटा ऐसा मत कर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, ध्यान दे, स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है, स्ट्रैटेजी कभी भी फ्लॉलेस नहीं हो सकती है, और स्ट्रैटेजी कभी भी ऑप्टिमल भी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकती है, राइट ना, यस, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए यहां पर? नहीं सर, मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये ऐसे ही करने वाला हूं, लेकिन सर मुझे उससे मार्क्स नहीं आ रहे। नहीं सर, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही करने वाला हूं। रिजिड नहीं होना है बेटा, रिजिड होकर कुछ नहीं चलेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चीज तुमने जैसे प्लान करी है, जैसे स्ट्रैटेजाइज करी है, वैसे ही होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यू हैव टू कीप योर स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल। अरे स्ट्रैटेजी के बारे में जब कुछ लिखना रहेगा ना, आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए? कि स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी ऑप्टिमल, बट स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल, स्ट्रैटेजी शुड बी प्रैग्मेटिक। सर प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है? What do you mean by pragmatic? Pragmatic मतलब practical problems. अगर मैंने सोचा था कि मेरा business बहुत ही जबरदस्त जाएगा, लेकिन बेटा जो तुम सोचते हो ना वैसे जिंदगी में कभी होता नहीं है, ठीक है, जो तुम सोचते हो वैसे जिंदगी में कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ uncertainties आ सकती है। मैंने सोचा था ऐसे कि मैं FC रोड पर एक रेस्टोरेंट डालने वाला हूं, और जैसे ही मैंने सोचा था कोरोना वायरस आ गया, पूरा प्लान बर्बाद हो गया मेरा। मैं ऐसे बोलता था कि नहीं, मैंने सोचा था कि मेरे को होटल डालना है, मेरे को रेस्टोरेंट डालना है, तो मैं डालेगा, कोई नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं डालेगा। अरे नहीं बेटा, यू कैन नॉट, नहीं, मैंने सोचा था ना, लेकिन यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल।
फिर तुमने क्या बोला, तुमने बोला कि चलो ठीक है, नाउ दिस इज नॉट द राइट टाइम, मैंने जो सोचा था वैसे नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर कैन बी सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन योर बिजनेस एंड यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो भी तुम्हारे बिजनेस में आएंगे, एंड स्ट्रैटेजी शुड बी प्रैग्मेटिक इन नेचर दैट इट शुड बी सो फ्लेक्सिबल दैट कि तुम्हें अडेप्टिव भी रहना पड़ेगा, तुम्हें अडेप्टिव भी रहना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा पाड़ी? यस, आगे देखिएगा बच्चा पाड़ी, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी प्रैग्मेटिक, फाउंडेशन की याद आ रही तुमको बच्चा पाड़ी, जबरदस्त। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान दैट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस यूजेस टू टेक द मार्केट पोजिशन, कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर्स। ये एक मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है, ये पूरा गेम प्लान है कि मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसे ला सकता हूं, मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज करने वाला हूं, हाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर माय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स, हाउ दे आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, हाउ दे आर गोइंग टू रिपीट द परचेसेस इन माय कंपनी ओवर देयर, सो दिस इज गोइंग टू बी माय कॉम्प्रिहेंसिव गेम प्लान, स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर किससे खरीदना है और मैं जब बेच रहा हूं एंड कंज्यूमर को उसका फीडबैक लेने तक मेरे पास एक पूरा गेम प्लान होना चाहिए। जब कोई क्रिकेटर मैदान में उतर रहा है ना, तो वो एक स्ट्रैटेजी लेकर उतरता है कि अगर पहले 10 ओवर में हमारे ज्यादा विकेट चले गए हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, हमें पिच पर टिके रहना है। अगर हमारे 5 ओवर में हम लोगों ने बहुत ही खतरनाक स्कोर किया है और आगे बहुत बड़ी ऑर्डर लाइनें खेलने के लिए हम लोग यहां पर फोड़ेंगे, हर एक बॉल को फोड़ेंगे, ठीक है, सो द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू चेंज, हमारे पास पूरा एक गेम प्लान रहने वाला है। अगर हमारे यहां पर क्रिकेटर्स ने अच्छे से बैटिंग नहीं भी करी, वी विल चेंज आवर स्ट्रैटेजी और बोलर्स की एक नई अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग, जी हाँ। सो इट इज अ पूरा की पूरा गेम प्लान ओवर देयर, राइट एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? यस सर। सो स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान, याद रखना बेटा, अच्छे अच्छे वर्ड्स को भूलिएगा नहीं, कि अपने को अपने ऑपरेशंस कैसे करने के हैं, अपने को कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करने का है और कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी होना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि पॉलिसी और स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है क्या, तो हम कहना चाहते हैं जी हां, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है, इस पर सवाल आ सकता है, डिस्कस। तो आप लोगों को यहां पर बड़े अच्छे से इसको आंसर करते आना चाहिए। पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी ये सिमिलर है, क्या बोलना है, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सेम, बट दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, बट दे डिफर, दे आर इंटर रिलेटेड बट दे डिफर। कैसे डिफर करते हैं, पॉलिसी इज द थॉट प्रोसेस, पॉलिसी थोड़ी सी स्टबर्न होती है, पॉलिसी आपको कहता है कि ये ऐसे ऐसे करना होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी टॉक्स अबाउट हाउ द पॉलिसी इज फॉलोड, स्ट्रैटेजी आपको बताती है कि ये फॉलो कैसे करना होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तभी हम लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना बेटा, हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, यहां पर दिया गया है, पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, हम लोग यहां पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्राइजेस को रिड्यूस नहीं करने वाले हैं, ये मेरी पॉलिसी है। पॉलिसीज कभी कभी स्टबर्न रहती हैं, पॉलिसीज एक प्रोसेस रहती है, पॉलिसीज कहती कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये ऐसे ऐसे करना है, दैट्स इट। पॉलिसी जस्ट एक स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग बोरो करते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर कुछ पॉलिसीज लगा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करना, स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी नॉट टू ड्रॉप देयर प्राइजेस टू फाइट द कॉम्पिटिशन, लेकिन जरूरत अगर पड़े तो मैं क्या बोलूंगा,
The strategy could be to give more quantity at the same price. मैं यहां पर प्राइस को रिड्यूस नहीं करेगा, झुकेगा नहीं, लेकिन अगर तुमको चाहिए तो मैं 20% एक्स्ट्रा देगा, मैं 20% एक्स्ट्रा देगा, 5% एक्स्ट्रा देगा, लेकिन मैं प्राइस को कम नहीं करेगा। गाइस तुम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी है, एडवर्टाइजमेंट देखिए, तुमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, विम बार खरीदा है तुमने कभी, ये उसमें लिखा होता है कि प्राइस इसका 10 रुपया ही है, लेकिन अब विम बार आया है 20% एक्स्ट्रा के साथ। पार्ले जी का प्रोडक्ट देखा है तुमने, पार्ले जी, ये पार्ले जी वही पार्ले जी है, लेकिन बेटा अभी इसमें आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा। मैं प्राइस को कम नहीं करेगा, लेकिन मैं तुमको ज्यादा देगा, लेकिन मैं प्राइस को कभी कम नहीं करेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो है ना कि पार्ले जी 5 रुपए का मिलता है, मैं 5 रुपए का ही देगा। पार्ले जी ने इसका उल्टा भी किया, पार्ले जी ने इसका उल्टा भी किया। गाइस देखना यहां पर क्या किया पार्ले जी ने, अब महंगाई बढ़ गई। आप लोगों ने सोचा होगा कि यार महंगाई बहुत बढ़ गई है, देखो यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन मेरे को प्राइस ज्यादा नहीं करने का, मेरे को पार्ले जी 5 रुपए में ही बेचने का है। तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा, पैकेट को थोड़ा सा छोटा कर दिया। पहले सपोज 16 बिस्किट्स आते थे पार्ले जी में, तो अभी 12 बिस्किट्स आएंगे पार्ले जी में। मेरे को नहीं पता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कभी गिने नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो पहले फॉर एग्जांपल 16 बिस्किट्स 5 रुपए में आते थे, अभी भी पार्ले जी 5 रुपए का है, लेकिन उसमें यहां पर बचा पार्टी 12 बिस्किट्स रहेंगे। मैं प्राइस चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे कंपनी का पॉलिसी है कि पार्ले जी हमेशा 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 कितने 5 रुपए का ही होना चाहिए। देयर शुड बी नो प्राइस राइज, देयर शुड बी नो प्राइस राइज, क्योंकि यार ये जो है ना पार्ले जी, ये एक इमोशन है। पार्ले जी यहां पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब भी खरीदता है, और हम लोग यहां पर उनका हक छीनना नहीं चाहते हैं, हम लोग उनका हक छीनना नहीं चाहते हैं। देयर शुड बी अफोर्डेबिलिटी। जब सुबह वो चाय पीता है तो सबसे पहले चाय और पार्ले जी खाता है। यार हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं करना, लेकिन क्वांटिटी को कम करेगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आर यू गेटिंग इट गाइस, आर यू गेटिंग इट? ओके अमेजिंग यार, मजा आ रहा है। तो कोई भी कंजूसी मत करना, अटेंडेंस लगा तो लाइक वाइक कर सकते हो, ठीक है। देखना है पर द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी नॉट टू ड्रॉप द प्राइसेस टू फाइट द कॉम्पिटिशन, बट द स्ट्रैटेजी कुड बी टू गिव मोर क्वांटिटी फॉर द सेम प्राइस और टू गिव सम अदर प्रोडक्ट एज अ फ्रीबी टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स विदाउट ड्रॉपिंग देयर प्राइसेस। बेटा ये स्ट्रैटेजी से ना मैं बिल्कुल 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 तंग आ गया हूं, ठीक है, तंग आ गया हूं मैं ये स्ट्रैटेजी से। अब होता क्या है यहां पर, होता क्या है, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कौन, मैं और मैम शॉपिंग करने जाते हैं कभी, ठीक है। अब हो क्या गया, हमको लेना था एक ही ड्रेस लेना था हमें, यस। अब एक ड्रेस कितने का आया, समझो कितने का, 1500 या 2000 का एक ड्रेस है, चलो 2000 का एक ड्रेस है, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी कर दी कि अगर तुम लोग दो प्रोडक्ट्स को खरीदते हो तो तुमको हम लोग एक प्रोडक्ट फ्री देंगे, एक प्रोडक्ट फ्री देंगे। अभी यहां पर मैम ने क्या कैलकुलेशन लगाया, मैम ने बोला देखो अखिलेश, यहां पर हम लोग अगर एक ड्रेस खरीदते हैं तो कितना पैसा जा रहा है, मैंने कहा 2000, यस। उन्होंने कहा कि अगर मैं दो खरीदूंगा तो कितना जाएगा, मैंने कहा 4000 रुपए, यस। तो देखो अभी हम लोग आज शॉपिंग कर रहे हैं, मैंने कहा यस। तो आज हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, फिर से मुझे एक दो महीने बाद शॉपिंग करना रहेगा, यस। तो वैसे भी हमारे 4000 रुपए जाने वाले हैं, यस। तो आज ही हम लोग 4000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, तीसरा प्रोडक्ट फ्री आ जाएगा। तो देखो एक्चुअल में तीन प्रोडक्ट अगर हम लोग खरीदेंगे तो कितना पैसा जाएगा, 6000। तो आज कितना जाएगा, 4000। यार करने तो सिर्फ 2000 का ही आया था ना यार, मुझे तो सिर्फ 2000 का शॉपिंग करने आया था, मैं यहां पर मुझे 4000 का शॉपिंग करना पड़ा, क्यों, क्योंकि तीन प्रोडक्ट मिल रहा है। और 4000 डिवाइडेड बाय 3 करो कितने का एक प्रोडक्ट आया, मैंने कहा तुम खरीदो यार, तुम खरीदो, तुमको जो खरीदना है खरीदो, ठीक है, तुमको जो खरीदना है खरीदो यार। मैंने उनको कहा कि ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ये जो है ये स्ट्रैटेजी है, तुम लोगों से ये ज्यादा पैसा यहां पर निकलवा रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा नो अखिलेश, आई वॉन्ट टू शॉप, ठीक है।
ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर क्या सकते हैं? तो बेटा देखो यार, वही तो है ये, अरे वही है ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही जबरदस्त वाली स्ट्रैटेजीज भी बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत मजा आएगा बेटा, देखना है यहां पर, देखना है यहां पर, बहुत मजा आने वाला है। मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी को देख लिया, हम मैनेजमेंट को देखेंगे और हम लोग आज और दो स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ने वाले, बेटा बहुत मजा आने वाला है। देखो यहां पर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब होता है, देखो यार मैनेजमेंट, मैनेजर को ना बहुत बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में। वो कहता है कि मुझे सफाई भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, सब काम मुझे ही करना पड़ता है, राइट, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो दैट प्रोसेस वेर ही हैज टू डू द प्लानिंग, ही हैज टू डू द डिसीजन मेकिंग, ही हैज टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेट विद द रिसोर्सेज, ही हैज टू डू द लीडिंग, उसको एम्प्लॉय का मॉरल मोटिवेशन करना पड़ेगा, उनका मॉरल हाई करना पड़ेगा, और उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अगर जो मैंने प्लान किया था और वो उस तरीके से नहीं हो रहा है तो मैं उसको कंट्रोल भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, प्लानिंग भी, ठीक है, प्लानिंग भी, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो क्या क्या करना पड़ता है हमें, मोटिवेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन, information resources of an organization to reach the goal effectively and efficiently. मतलब ये कहना चाहते हैं, one school of thought say that management ये होता है, and other school of thought क्या कहता है, other school of thought क्या कहता है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये क्या बोलता है कि मुझे organization में planning करना पड़ेगा, मुझे यहां पर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मुझे यहां पर डिसीजंस लेना पड़ेगा, मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं, मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि कितने यहां पर फाइनेंस लग रहा है बिजनेस में, मुझे यहां पर डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ मुझे यहां पर मोटिवेट भी करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्सेस को, मुझे ये ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्सेस को कि कौन टॉप मैनेजमेंट में रहेगा, कौन लोअर मैनेजमेंट में रहेगा, कौन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में रहेगा। तो मुझे एज अ मैनेजर आई हैव टू मैनेज All these resources, समझ में आ रहा है, मुझे as a manager I have to manage all the resources over here, इसको हम लोग यहां पर management कहते हैं। लेकिन another school of thoughts क्या कहता है, another school of thoughts कहता है कि management मतलब कौन होता है, वो key person होते हैं, कौन, वो key group of person होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो इंचार्ज होता है, किस काम के लिए इंचार्ज होता है, वो की पर्सन है इन द ऑर्गेनाइजेशन हु इज इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब हम कहना चाहते हैं कि हमने यहां पर इंचार्ज बनाया है, हमने यहां पर इंचार्ज बनाया दीपक माहेश्वरी को, और दीपक माहेश्वरी यहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, और हमारे ठाकुर जी भी यहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। हम लोगों ने इनको बोला कि आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन ठीक ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के की पर्सन है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हु आर दे, आर द मैनेजमेंट पीपल ओवर देयर, एंड हु दोज हु आर गोइंग टू टेक द All the main decisions, they are going to handle all the affairs of the company. तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, affairs of the company का मतलब क्या है बेटा, यही तो वो चीजें हैंडल करने वाले, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन बेटा रिश्ता वही, सोच नहीं, अलग वे में फ्रेम कर दिया है। देखो मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन, सबसे अहम हिस्सा है, सबसे मेन है मैनेजमेंट चीफ ऑर्गन, entrusted with the task of making it purposeful and productive entity. एक कुछ तो भी purposeful, productive ही होना चाहिए definitely यार, otherwise management को क्यों यहां पर लेकर आएंगे हम लोग, right? Yes. अब देखना यहां पर, कहानी यहां पर खत्म नहीं हो रही है। They bring together the disorganized resources.
क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। मैंने यहां पर की मैनेजरियल पर्सन लगा दिए और ये की मैनेजरियल पर्सन ध्यान रख रहे कि कौन क्या काम करेगा। ये जो बंदा है ये बहुत होशियार है आईटी में, इसको आईटी में डालो। ये बंदा बहुत ज्यादा यहां पर होशियार है मार्केटिंग में, इसको मार्केटिंग में डालो। ये बंदा बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस करता है, इसको प्लानिंग टीम में डालो। तो मैंने यहां पर डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज करने वाला हूं। सो bring together the disorganized resources of the manpower, of the money. मेरे कंपनी में यहां पर लाखों रुपया पड़ा है बेटा, आइडल पड़ा है, आइडल भाई। मैं एक अच्छे फाइनेंस पर्सन को मेरे कंपनी में लगाऊंगा और जब भी मेरा पैसा मेरे पास ज्यादा है उसको बोलूंगा कि ऐसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर, ये इतना पैसा मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं लगने वाला, इतना पैसा मुझे शॉर्ट टर्म में लगेगा कहीं पर, तो इन्वेस्ट करो, आइडल मत रहने दे भाई, क्योंकि यहां पर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट शुड ग्रो, इट शुड नॉट स्टे आइडल। तो मैं यहां पर मनी को भी अच्छे से मैनेज करूंगा। मटेरियल बेटा, मेरे यहां पर इन्वेंट्री वेयर हाउस में इतना भर भर कर मटेरियल पड़ा है वहां पर, वो खराब हो रहा है। एक साल से पिछले चोरी हो गया था लास्ट महीने में, उसके पहले छोटा मोटा बारिश आई तो खराब हो गया। यार इन्वेंटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज योर असेट, जो आगे मैं बेच नहीं सकता वो खराब हो गई तो, चोरी हो गया तो मुझे वो वेयर हाउस का रेंट देना पड़ रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू अंडरस्टैंड कि उसकी इन्वेंटरी कितनी रहनी चाहिए एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो यहां पर डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहा है, मटेरियल को, टेक्नोलॉजी को भी वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन ओवर हियर? व्हाट आई वांट टू टेल यू बचा पार्टी, हम लोग यहां पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल्स लेकर। जैसे कि मेरा वेयर हाउस है और वेयर हाउस में मैंने ज्यादा रखा है मटेरियल, यार वो जरूरत नहीं है, मेरा वर्किंग कैपिटल अटक गया, वो चोरी हो सकता है, वो पिलफरेज हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है और मुझे उसके ऊपर से ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही है क्योंकि रेंट का खर्चा भी तो देना पड़ता है। यार ये मटेरियल हैंडलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन कॉस्टिंग, या फिर तुम लोगों ने ऑलरेडी कॉस्टिंग में पढ़ भी लिया होगा, तुम लोगों ने कॉस्टिंग में ऑलरेडी पढ़ भी लिया होगा। अभी मुझे ज्यादा अभी तुम लोग ना मैच्योर हो गए हो, अभी मुझे एकदम ऐसे डिटेल्ड में समझाने की जरूरत नहीं है। यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट, मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी नो, तुम लोग उतने लेवल की तुम्हें मैच्योरिटी आ चुकी है। अभी फाउंडेशन में क्या होता था, फाउंडेशन में बच्चों को कुछ नहीं पता है, फाउंडेशन में बच्चों को बहुत ज्यादा यहां पर ज्ञान देना पड़ता था, लेकिन नाउ यू आर अ मैच्योर स्टूडेंट्स गाइस। बिल्कुल सही कह रहे हैं यहां पर आकृति, बिल्कुल सही कह रही, कैरिंग कॉस्ट लगती है बेटा, awesome यार, फोड़ने वाले हो बेटा तुम फोड़ दोगे एग्जाम में, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। देखना यहां पर हम लोग अभी दो टाइप की स्ट्रैटेजीज देखने वाले बेटा। अभी हम लोगों ने स्ट्रैटेजी को थोड़ा समझने की कोशिश की, हम लोगों ने मैनेजमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश की, अभी यार थोड़ा सा समझते प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। सर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चा पार्टी। हमारी कंपनी जो है ना, हमारी कंपनी, चलो हम यहां पर किसी की कंपनी यहां पर लेते हैं, लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सीवी ठाकुर, अरे फिर से ठाकुर, ठीक है सीवी। तो सीवी जो है, सीवी शिवानी, लेट अस से शिवानी, तो शिवानी की जो कंपनी है, ये शिवानी जो है बहुत ज्यादा होशियार लड़की है, बहुत ज्यादा होशियार लड़की है, ये कभी भी एडवांस में सारी की सारी प्लानिंग करती है। शी इज लाइक कि जो कुछ भी होने वाला है मैं पहले से अच्छे से प्लान करके जाने वाली हूं, तो ये स्ट्रैटेजी एडवांस में बनाती है। उसको ऐसे लगता है कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इट शुड बी वेल प्लान्ड इन एडवांस। उसने सोच लिया था कि हम लोग यहां पर किससे कुछ क्या क्या मटेरियल्स लेने वाले हैं, उसने सोच लिया था कि अगर फायर लग गई तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स लगेंगे, उसने सोच लिया था कि अगर कुछ हो जाता है अनसर्टेनिटीज तो हम लोग इसको बीसीपी प्लान भी हमारे लिए रेडी है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करने वाले, उसकी सारी प्रोसेसेस हमारे पास रेडी है। लेकिन यहां पर होता क्या है मैं आपको बताता हूं, प्रोएक्टिव रहना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, डेफिनेटली एकदम एकदम एकदम, होने से पहले ही तुम सारी की सारी चीजों को अरेंज कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, स्ट्रेटजाइज कर रहे हो, वेरी वेरी ऑसम। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर एक प्रॉब्लम है, तुमने जो सोचा है
और अगर तुम जो भी सोचते हो और वैसा ही अगर बिजनेस रिएक्ट करता था और वैसे ही बिजनेस एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे ही होता था, तो शायद आज सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल होते थे, आज सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल होते थे, आज कोई एम्प्लॉयमेंट करता ही नहीं था और हर एक इंसान अपने खुद का यहां पर बिजनेस शुरू करता था, हर एक इंसान एंटरप्रेन्योर बनता था। लेकिन होता यह है कि जो तुम सोचते हो वो शायद वैसा ना हो और शायद कभी कभी कुछ चीजें डिफरेंट वे में टर्न आउट हो जाएगी, डिफरेंट वे में टर्न आउट हो जाएगी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, यू हैव टू adapt to that changes which are happening over there and you have to change accordingly, strategize accordingly, and that particular thing is known as reactive strategy. देखना, फिर से देखना बेटा, यहां पर मैंने क्या बोला, फिर से समझने की कोशिश करो। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी मतलब मैं यहां पर एडवांस में प्लानिंग कर रहा हूं, एडवांस में स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। तो यहां पर जियो ने एडवांस में स्ट्रेटेजी बनाया था। क्या स्ट्रेटेजी बनाया था? कि हम लोग जब मार्केट में जियो को लेकर आएंगे तो हम लोग यहां पर फ्री में बांटने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि शायद कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। उनको यह नहीं पता था कि क्या गलत होगा, लेकिन अगर हम लोग ये पे कर ये लाते हैं तो डेफिनेटली अगर कुछ गलत हो जाता है तो कस्टमर इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट अस। तो यहां पर प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी ये थी कि हम लोग पूरा की पूरा एक ऐसा अच्छा सिस्टम लेकर आएंगे, ऐसे एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेंगे जहां पर वो जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो एप्लीकेशन एंड फ्री कॉलिंग फ्रॉम द नेट, इंटरनेट से पहली बार यहां पर कॉलिंग हो रही थी। तो जियो ने प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी किया, लेकिन बेटा हुआ क्या, गलत हो गया ना। ये कॉल जब लगा रहा है इंटरनेट से, मतलब वो इंटरनेट के थ्रू कॉल लगते थे ना, वो कॉल जब लगा रहा है तो यार कॉल कट हो रहे हैं, फिर से कॉल लगाना पड़ रहा है, फिर से वो बात कर रहा है, फिर कॉल कट हो रहा है। तो यहां पर अभी क्या हो रहा है, जो उन्होंने सोचा था, ऑब्वियसली यार ये टेलीकॉम कंपनी जो सोच रही है कि हमारे कॉलिंग की कंपनी, मतलब हम लोग यहां पर टेलीकॉम का बिजनेस करें, ऑब्वियसली कॉल तो बराबर से लगना ही चाहिए। अगर वो नहीं लग रहा है, reactive strategies, they were ready to adapt to the changes over there and ready to change the policies over there. समझ में आया क्या बच्चा पार्टी, समझ में आया क्या? अरे प्लान तो किया था, प्रोएक्टिव तो वो थे ही, लेकिन प्लान के हिसाब से कुछ चीजें नहीं हुई, एंड दे हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली, दे हैव टू अडॉप्ट टू द चेंजेस। कुछ कुछ कंपनीज बहुत एडमेंट होती है, वो कहती कि हम नहीं बदलेंगे, राइट? कुछ कुछ कंपनीज अपने प्लान्स को चेंज नहीं करती है, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब पिक्चर में अच्छा लगता है, कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन बेटा ऐसे नहीं होता है, तुमको रियल लाइफ में झुकना ही पड़ता है, ठीक है। ये सारी पिक्चर की बातें हैं, ऐसा रियल लाइफ में अगर होता था तो बेटा ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ना ऐसे गलत फहमी में मत जीना, ठीक है। प्लान स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, ये न्यू इनिशिएटिव्स प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटजी फीचर्स कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रायर पीरियड्स। लेकिन रिएक्टिव स्ट्रेटजीज एडप्टिव होती है, एडप्टिव रिएक्शंस टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो कुछ भी यहाँ पर चेंज होने वाला है, आप लोगों को उसके हिसाब से अडप्ट होना पड़ेगा, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन गाइज। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, अ कंपनीज एक्चुअल स्ट्रेटजी इज पार्टली प्लान, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क करना बेटा इसको। कंपनीज पॉलिसी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, सर क्या कर रहे हो सर? यस बेटा, हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले। ओ माय गॉड, यहाँ पर 8:45 हो गए, मुझे पता भी नहीं चला यार 8:45 हो गए, ठीक है। हम लोग इसको डिटेल में और देखेंगे कल, लेकिन आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। ये आपका आता है बेटा क्वेश्चन, ये देखना क्वेश्चन आने वाला है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू एंटिसिपेट द पॉसिबल चैलेंजेस, रिएक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजीज आर दोज That respond to the unanticipated. मेरे को नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है, unanticipated event only after it occurs. तो यार ये ना reactive strategy के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसके लिए respond करना पड़ेगा, positively respond करना पड़ेगा, फटाफट respond करना पड़ेगा, otherwise तुम business में survive नहीं कर पाओगे, otherwise तुम
सरवाइव नहीं कर पाओगे। यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, इसकी मैं बात कर रहा था, इसकी मैं बात कर रहा था बेटा। मैं ऐसे सारी चीजें आप लोगों को क्लास में रोज देने वाला हूं, आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स बताने वाला हूं, आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो बताने वाला हूं। दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है बेटा, ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ इसका कंक्लूजन दिया है, हम जो पढ़े हैं वो अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है, और हम लोग को सजेस्टेड में देखेंगे, लेकिन मैंने क्वेश्चन को आज तुम्हारे सामने दे दिया है, ठीक है। क्या है, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, डिस्कस 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 डिस्कस। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि क्या होता है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। दे आर डिजाइन टू एंटिसिपेट द पॉसिबल चेंजेस जो हो सकता है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी चीजें हो सकती है जो तुमने सोचा नहीं है, दैट इज अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। और हम कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि एक कोई भी जो कंपनी होती है उसको, वो जो कंपनी है, अ कंपनीज एक्चुअल स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। मतलब हम लोग जो प्लान करेंगे, हम लोग कुछ चीजें एंटिसिपेट कर प्लान करने वाले हैं, सो दैट स्ट्रेटजीज आर नोन एज प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। बट वेन एवर अ कंपनी थिंक्स दैट कि हम लोगों ने ऐसे कुछ काम करने चाहिए, बट देर कैन बी प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम्स, देर कैन बी सम थिंग्स विच वी हैवंट एंटिसिपेटेड, बट फिर भी वो चीजें हो सकती है। हम लोगों को उस हॉस्टाइल चीजों से तैयार रहना चाहिए और हम लोगों को उसको अडॉप्ट करना चाहिए एंड हम लोगों को उसको सॉल्व करना चाहिए। उसको हम लोग रिएक्टिव स्ट्रेटजीज कहते हैं। देयरफॉर अ कंपनी की जो स्ट्रेटजी होती है वो पार्टली रिएक्टिव भी होती है, पार्टली प्रोएक्टिव भी होती है। प्रोएक्टिव को एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, प्लान स्ट्रेटजी। तो प्रोएक्टिव को क्या हम लोग प्लान स्ट्रेटजी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो प्रोएक्टिव को हम लोग प्लान स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, और यहां पर इन दोनों को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। एवरीवन आर यू गेटिंग इट? एवरीवन आर यू गेटिंग इट? अगर बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है तो फटाफट से यार लाइक करना बेटा, लाइक किए बिना जाना नहीं, ठीक है। यस, और हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आपको मजा आ रहा है तो आप लोग 3 लोगों के साथ शेयर करना और उन 3 लोगों से कहना कि और 3 लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं क्लास में ही खत्म करने वाले हैं। मैं आप लोगों को कल जो पढ़ाने वाला हूं वो होने वाला है तुम्हारा वॉलमार्ट का केस स्टडी। टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल कोर कॉम्पिटेंसी। क्या कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज कोर कॉम्पिटेंसी, और हम लोग कल पता करने वाले एक वॉलमार्ट की केस स्टडी कि कैसे वॉलमार्ट ने अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज का इस्तेमाल किया और कैसे ये बनी फॉर्च्यून 500 की में से सबसे नंबर 1 कंपनी, राइट। सो बच्चा पार्टी कल का सेशन बहुत ही जोरदार होने वाला है, आपके सारे फ्रेंड्स तक पहुंचा देना और कहना अकी भैया आ रहे हैं कल बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर, जिसका नाम है कोर कॉम्पिटेंसी। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर बच्चा पार्टी आप लोगों में से कोई भी यहां पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो यू कैन जस्ट गो ऑन दी वेबसाइट, यू कैन सिलेक्ट द टेन्योर ऑफ योर चॉइस, यू कैन यूज द कोड DAGA10, DAGA10 इज द कोड। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। आप लोग कोई भी यहां पर सब्सक्रिप्शन का टेन्योर चूज कर सकते हो। यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस Group 1 एंड Group 2, ठीक है। सो यहां पर बच्चा पार्टी यू कैन हैव एन अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस आउट देयर, कोई भी सेशन कितने भी बार देख सकते हो। यहां पर है आइकॉनिक, आइकॉनिक के प्राइसेस थोड़े से हाई हो गए डेफिनेटली, बिकॉज यहां पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होती है। सो यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन जस्ट गो विद इट। एंड यस बच्चा पार्टी, आई होप दैट यू एंजॉयड टुडेस सेशन, ठीक है। सर द ओनली वन क्वेश्चन, सिलेबस कब तक ओवर होगा? जस्ट क्यूरियस टू नो। रिया कृष्णानी, बेटा ये तुम्हारी एग्जाम नवंबर में है, डेफिनेटली मैं इसके लिए पूरा भी आपको प्लान बताने वाला हूँ। इस पूरे महीने में हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ से मैं May 22 वालों के लिए रिविजनरी सेशंस लेकर आने वाला हूँ। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद EIS एज वेल, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर यूट्यूब पे सारा सब कुछ होगा क्या? बिल्कुल होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल 8 बजे शार्प
भूलिएगा मत, कल का सेशन होने वाला है बहुत ही अमेजिंग। वॉलमार्ट की केस स्टडी को हम लोग कल करने वाले हैं। कोर कॉम्पिटेंसी इज द टॉपिक, ठीक है। धन्यवाद, टाटा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड